बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स एंड अपडेट्स के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात करें फेमिना मिस इंडिया 2018 की, तो 19 वर्षीय तमिलनाडु की अनुकृति वास ने फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज अपने नाम किया। इस समारोह का आयोजन किया गया था मुंबई में, जहाँ इसकी मेजबानी करी फिल्म निर्माता करण जौहर और एक्टर आयुष्मान खुराना ने। इससे पहले अनुकृति वास ने FBB कलर्स फेमिना मिस तमिलनाडु का ताज अपने नाम किया था। अनुकृति वास ने 30 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर समेत अन्य जजेस के सामने शीर्ष सम्मान हासिल किया। मानुषी छिल्लर ने जीत का ताज भी पहनाया। हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर अप रही, वहीं आंध्र प्रदेश की श्रेया राव सेकेंड रनर अप बनी। जज पैनल में बॉलीवुड सितारे मलाइका अरोड़ा खान, बॉबी देओल और कुणाल कपूर मौजूद थे, वहीं क्रिकेटर इरफान पठान और KL राहुल भी नजर आए। इस शाम को जैकलीन फर्नांडिस, माधुरी दीक्षित और करीना कपूर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से और भी यादगार बना दिया था। जानवी और ईशान के पहले प्यार के खूबसूरत पलों को दर्शाता हुआ फिल्म धड़क का पहला गाना रिलीज हो गया। फिल्म का टाइटल ट्रैक आपको आपके पहले प्यार का एहसास कराता है और उम्मीद है कि ये गाना करोड़ों दिलों को छू लेगा। गाने में मधुर अपने प्यार पार्थिवी को लुभाने के लिए अलग अलग चीजें भी करता है और इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और अजय गोगेवली ने। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। वास्तव में फिल्म धड़क मराठी फिल्म सैराट की रीमेक है। कुछ लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म के रीमेक ने फिल्म को असली अनुभव से खो दिया है। ईशान पहले ही लोगों को अपने फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से प्रभावित कर चुके हैं और अब सबकी निगाहें श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर पर है, जो कि अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। अब देखना ये बाकी है कि क्या जानवी लोगों पर अपना जादू चलाने में कामयाब होती हैं या नहीं। इस फिल्म का निर्देशक शशांक खेतान ने किया है, वहीं फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। ये फिल्म 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बहुत दिनों बाद दिखे कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा और उनकी इस तस्वीर को देख करके आप भी चौंक जाएंगे। लंबे समय से कपिल शर्मा कहीं नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने अपने सभी कामों से ब्रेक भी ले लिया था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मंगलवार देर शाम कपिल शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। कपिल शर्मा की इन तस्वीरों की बात करें तो वो थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहली नज़र में यही समझा जा सकता है कि उनका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यकीनन ये फोटो चौंकाती भी नज़र आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा को उनके शो द कपिल शर्मा शो से अपार लोकप्रियता मिली थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इसी बीच सह कलाकार सुनील ग्रोवर से हवाई जहाज में हुए जूता कांड के बाद उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। सुनील ग्रोवर उनके शो से अलग हो गए। इस बीच बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों को कपिल के शो से बिना शूटिंग किए वापस लौटना पड़ा। अंत में कपिल शर्मा शो को बंद कर दिया गया। फिर कपिल की फिल्म भी आई फिरंगी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया। कुछ समय बाद कपिल फैमिली टाइम विद कपिल के साथ वापस आए और ये शो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। कपिल के फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि अब कपिल बिल्कुल ठीक है और जल्द ही अपना कमबैक भी कर सकते हैं। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंचायती टाइम्स।